हम लोग जो हैं मक्कारों की दुनिया में जी रहे हैं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, जनता दल सेकुलर की तरफ से ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूं कि हमने इन राइटिंग वी वर द फर्स्ट पार्टी टू आस्क द इलेक्शन कमीशन टू गो बैक टू द बैलेट। और जिस हरि प्रसाद की यहां बात हुई, और ये भी मैं आपको बता दूं, शायद मैं उन बहुत कम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट में से हूं, जनता दल सेकुलर, मतलब जनता दल का डिवीजन या जनता दल सेकुलर का स्थापना 99 में हुआ, और 2000 से लेकर के आज तक पिछले 18 साल में चुनाव आयोग ने जितनी ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई हैं मैंने एक भी मिस नहीं की। मेरी पार्टी ने मुझे ऑथराइज किया, मैंने आई हैव अटेंडेड ईच एंड एवरी मीटिंग। और मैंने कहा मक्कारों की दुनिया में इसलिए हम जी रहे हैं कि जब 2004 में, 3-4 में इंडिया शाइनिंग का कैंपेन चल रहा था, तो मुझे याद है कि चुनाव डिक्लेयर होने के बाद जो ओपिनियन पोल्स आ रहे थे उसका विरोध दर्ज करने के लिए, कॉमरेड नीलोत्पल बसु यहाँ आ गए हैं, हम लोगों का एक अपोजिशन पार्टीज का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने गया। बड़ी कड़वी बात मैं बता रहा हूँ सीमा जी आपको। और हमने डिमांड करी कि साहब ये ओपिनियन पोल्स बैन होने चाहिए और एग्जिट पोल्स बैन होने चाहिए। लेफ्ट के लीडर्स थे, कांग्रेस के लीडर्स थे, मैं आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट एंड ऑल सीनियर लीडर्स, लेफ्ट के तो दोनों जनरल सेक्रेटरीज थे उस वक्त के। 2004 में यूपीए की सरकार बन गई और जो पार्टी लीड कर रही थी उस पार्टी के जो नुमाइंदे थे उस वक्त जो हमारे डेलीगेशन में थे वो उस यूपीए की सरकार में कानून मंत्री भी रहे। और चुनाव आयोग जो डील करता है उसका जो नोडल मिनिस्ट्री होती है वो लॉ मिनिस्ट्री होती है। कोई भी छोटे से चुनाव आयोग के पास, हम लोगों का एक इंप्रेशन है कि इलेक्शन कमीशन इज अ वेरी बहुत स्ट्रांग बॉडी है, बहुत स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन है, कुछ नहीं है, इट्स अ टीथलेस बॉडी। जो लॉ मिनिस्ट्री, उसको एक एक चीज के लिए लॉ मिनिस्ट्री को लिखना पड़ता है, लॉ मिनिस्ट्री का डिप्टी सेक्रेटरी उसको जवाब कभी दे देता है और कभी जरूरत भी नहीं समझता जवाब देने की उसकी डिमांड्स की। और वो नुमाइंदे लॉ मिनिस्टर हो गए और जब वो डिमांड जो हमने खुद की थी जब उसको बैन करने की बात आई तो नहीं नहीं ओपिनियन पोल तो नहीं बैन होना चाहिए, चलिए एग्जिट पोल हम बैन कर देते हैं, अगर फेजेस में चुनाव हो रहा तो एग्जिट पोल हम बैन कर देते हैं। एक बाई इलेक्शन कर्नाटक में हो रहा था उसके 2 साल बाद, 2010 में, तो हमने पूरा कैंपेन का वक्त खत्म हो गया और एक टीवी चैनल ने वहां ओपिनियन पोल दिखाया कि बीजेपी इज विनिंग लैंडस्लाइड इन दैट पर्टिकुलर, वो जब येडियुरप्पा की सरकार थी, जब वो ऑपरेशन कमला कर्नाटक में चला था। हमने चुनाव आयोग को कहा कि भाई ये क्या, तो चुनाव आयोग ने रात में कहा कि साहब देखिए हमारे पास तो ओपिनियन पोल बैन करने का कोई ऑर्डर ही नहीं है। हमने कहा भाई चैनल के खिलाफ आप जो है FIR करो, लॉन्च करो। नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। द थिंग वॉज कि वो सीट जो ओपिनियन पोल के मुताबिक जिताई जा रही थी, जब रिजल्ट आया तो वो 12,000 वोट से वो सीट बीजेपी हारी और हम जीते थे वो सीट, दैट इज अ डिफरेंट इशू। मेरा कहने का मतलब ये कि हम लोगों की विल पावर नहीं है, हम लोग कुछ जब पढ़ती है, वो मेरे एक साथी ने सही कहा कि जब इंडिविजुअल पढ़ती है तब याद आती है। और यही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग बुलाई थी चुनाव आयोग ने ये EVMs के ऊपर, बाहर हम लोग बहुत भाषण कर रहे थे लेकिन अंदर जा करके सब ने नहीं साहब चुनाव आयोग की साख पे कोई बट्टा नहीं लगना चाहिए, अगर चुनाव आयोग की साख पे बट्टा लग जाएगा तो देश का लोकतंत्र पे जो लोगों का विश्वास है वो उड़ जाएगा। सीमा जी मैं इसलिए कह रहा हूं हम लोग मक्कारों की दुनिया में जी रहे हैं।
अंदर कुछ है, परसेप्शन कुछ है, और खाली ईवीएम की बात नहीं, वापस बैलेट पे लाने की बात नहीं, ये जो एक डिबेट चल रही है कि हम तो पिछड़े लोग हैं, रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं, बताइए इस साइंस की दुनिया में हम जो वापस बैलेट पे जाना चाहते हैं मशीन को छोड़ करके, एक दिन में चुनाव हो जाता है। साथी ने बड़े सही कहा कि कितना पैसा खर्च होता है, 3000 करोड़, कौन सा फर्क पड़ रहा है। या काउंटिंग में, जो काउंटिंग 4 घंटे में हो जाती है, वो काउंटिंग अगर आप बैलेट से करोगे तो वो 12 घंटे में होगी, इतना ही तो फर्क है। आप 2 महीने चुनाव चलाते हैं, अगर 2 दिन फालतू चुनाव में लग जाएगा रिजल्ट आने में, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा क्या? टीवी चैनल्स पे डिबेट करा करके माहौल तैयार किया जा रहा है इस देश में कि साहब वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, इसलिए जो है विकास जो है उसमें वो अवरुद्ध होता है, डेवलपमेंट जो है वो रुकता है उस पीरियड मॉडल कोड के दौरान। भाई कितने दिन के लिए मॉडल कोड लगता है? मैक्सिमम 45 डेज, एक पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए और एक असेंबली के लिए 45 डेज, तो 45 दिन ही तो कम होगा। 5 साल के अंदर कितने दिन होते हैं साहब? 1800 दिन होते हैं। अगर 45 दिन उसमें कम हो जाएंगे, आप जो है 1750 दिन तो काम कर नहीं रहे, अगर 50 दिन उसमें कम हो जाएंगे, सारा वो डेवलपमेंट 50 दिन में होना है, तो आप असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन एक साथ कराइए। इस देश में जो है एक नेता एक इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी आने वाला है। लोकतंत्र पे खाली ईवीएम ही नहीं, बहुत बड़ा खतरा है, और हम लोग राजनीतिक दल सो रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं जो इन संगठनों ने ये बैठक बुलाई, और कम से कम हम लोगों को झंझोड़ने का, नींद से उठाने का आपने काम किया है। साथियों, डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि क्या कर्नाटक में, मैं आपसे वादा करता हूं डॉक्टर साहब, हम लोग कर्नाटक का चुनाव 100% अगर वीवीपैट नहीं होगा तो हम नहीं जाएंगे चुनाव में। और मैं उस बैठक में जिसमें ये वीवीपैट को एक्सेप्ट किया जा रहा था, मैंने उस दिन भी, उस वक्त चंद्रबाबू नायडू साहब, मेरे ख्याल से मुझे याद है 4-5 जो चुनाव आयोग ने बैठक बुलाई थी तो वो खुद आया करते थे मीटिंग में, वरना नॉर्मली ये होता पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं चुनाव आयोग की बुलाई हुई बैठक को सीरियस ही नहीं लेती, मतलब ये खासतौर से जो बड़ी पार्टीज हैं, मैंने देखा है किसी सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन लीडर को वहाँ फॉर्मेलिटी के लिए भेज देती हैं, वो अपना साइन किया और अच्छा बात किया और आ गया, क्योंकि nobody want to antagonize the commissioner presiding meeting there। हम लोग तो पहले दिन से इस ईवीएम के खिलाफ हैं, और ये आंदोलन चलाना चाहिए, क्योंकि, और मैं तो उस बात को भी कहता हूँ, उसमें भी बहुत बहस हुई है कि भाई मिक्सिंग ऑफ बैलेट, ये जो हुआ है ना बूथ वाइज काउंटिंग का, इससे भी लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। हमारी पार्टी का इन राइटिंग सबमिशन है कि जब चुनाव का रिजल्ट आ जाता है, डिक्लेयर होता है, तो पता चल जाता है उस इलेक्टेड मेंबर को कि कौन से एरिए के लोगों ने मेरे को वोट नहीं दिया, कौन से कम्युनिटी के लोगों ने वोट नहीं दिया, और खासतौर से जो वीकर सेक्शन का वोटर होता है वो इन सरमाएदार पार्टियों के कैंडिडेट को जब वोट नहीं देता तो 5 साल उसको प्रताड़ित किया जाता है। ईवीएम आने से यह काम और हुआ, जो असेंबली सेगमेंट का बैलेट मिक्स कर लिया जाता था वो मिक्सिंग अब नहीं हो पाती। तो मेरा तो अपनी पार्टी की तरफ से पूरा, खाली इसके ही नहीं, मैं, हम लोग तो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की बात करते, कहां पॉलिटिकल पार्टी सोई हुई है, आप जो है ले आए अमेंडमेंट चुपचाप से फाइनेंस बिल में, और टेलीविजन डिबेट्स पे ऐसा किया जा, अरे साहब पहले 20,000 कैश डोनेशन तक दिया जा सकता था, अब उसको रिड्यूस कर दिया सिर्फ 2,000 कैश डोनेशन। मैंने कहा कि ये शायद ADR की आखिरी रिपोर्ट थी, आपका काम खत्म हो गया, इसके बाद आपको कोई एनालाइज करने की, स्टैटिस्टिक्स इकट्ठी करने की जरूरत अब बची नहीं है। भाई किसने कहा कॉरपोरेट फंडिंग करें?
पहले किया तो कम से कम ये था, अभी एक कोई कंपनी जो है अपने प्रॉफिट का 7.5% तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकती है। अब लेटेस्ट जो अमेंडमेंट इस साल आया है कि कोई भी कंपनी जितना चाहे, चाहे घाटे में चल रही है, वो चाहे इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद लाए और अपनी कंपनी के नाम से खरीद ले और वो किसी भी पार्टी को डोनेट कर दे, उसको किसी आरटीआई में किसी को बताने की, डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे याद नहीं कि जब ये बिल पास हो रहा था तो पार्लियामेंट में इस इशू पर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, मेरी पार्टी के तो लोकसभा में 2 मेंबर हैं, और जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर देश में खड़े होते हैं, बोले नहीं नहीं साहब आपकी पार्टी के लिए 2 मिनट हैं, वो स्पीकर जो मिस्टर गौड़ा यू हैव ओनली 2 मिनट्स अकॉर्डिंग टू योर पार्टी स्ट्रेंथ, व्हाट कैन वी डू। उसके बाद भी इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही, कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। आप जो है मतलब देश के लोकतंत्र पर बहुत बड़ा खतरा है और हम लोग चुप बैठे हैं। मैं आपका ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, मैं अपनी पार्टी की तरफ से ईवीएम के पहले दिन से लेकर के आज तक हमारी पार्टी इसके खिलाफ है और हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर यूनैनिमिटी होनी चाहिए और हमें जो है इसका विरोध करते वापस बैलेट पर आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।